वजह से मैंने व्लॉग बनाने छोड़ दिया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद होने वाला वेलकम बैक है ये। तो एक्चुअली मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मैंने व्लॉग बनाने छोड़ दिए। चल झूठा। हाँ, बहुत बड़ा झूठ है ये। एक्चुअली ये था कि यार, व्लॉग की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि जिसमें आपको एक कंटेंट चाहिए होता है। डेली रूटीन अगर आपकी है, लाइक थोड़ा सा अलग अगर आप की डेली रूटीन है, तो तब आप उस पर भी लोग बना सकते हैं। एक यूजुअल पे चलने वाली नॉर्मल रूटीन वाली, अरे कहना क्या चाहते हो, भी व्लॉगिंग आई थिंक कोई देखने इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। किसी के पास इतना खास टाइम ही नहीं है। हमें खुद इसके बारे में, मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं है इसके बारे में कि मैं रात को इसके बारे में सोच सकूँ रोज़। तो मैं बोर हो जाऊँगा, एक दिन सोचूंगा, दो दिन सोचूंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रूटीन में एक चीज़ चल रही थी। तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे बनाई भी थे, लेकिन मैं पोस्ट नहीं किए क्योंकि फ़ायदा नहीं था करने का, क्योंकि किसी ने देखना ही नहीं था। तो इसलिए दूसरों के कुछ काम में बिजी हो गया था। इसलिए एक्चुअली बात यह है कि हमारा अब कुछ कुछ प्लान बना है घर जाने का। आज जा रहा हूँ मैं, तकरीबन 2.5 मंथ के बाद घर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। एक्चुअली सब पैकिंग वगैरह हो गई है। अगर मैं दिखाऊँ कमरे की हालत पर ना जाना, क्योंकि बस छोड़ें, पैकिंग हो गई है। तो अभी मैं बस यहाँ से निकलने वाला हूँ। प्लान कुछ ऐसे है कि हमने पहले अभी जाना है घर, घर जाने के बाद फिर हमारा प्लान है इस्लामाबाद जाने का। इस्लामाबाद जाने के बाद फिर आगे की रूटीन आपको पता ही चल जाएगी। रूटीन ही मतलब आई मीन आगे का स्केड्यूल आपको पता चल जाएगा। तो फिर फिलहाल मेरा हाथ थक चुका है, मैं निकलता हूँ यहाँ से। एक्चुअली टाइम हो रहा है तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। तो यहाँ से निकलूँगा, फिर मुझे घर पहुँचते पहुँचते आई थिंक शाम हो जाएगी। और मैंने घर नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ आज। तो घर मिलते हैं फिर। फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना होगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यार, व्लॉगिंग का कोई फ़ायदा हो ना, एक दफ़ा दरवाज़ा खोल दूँ, क्योंकि लाइट ऑन करने का तो फ़ायदा नहीं होगा। आ गई है, लाइट नहीं थी, मैंने मोबाइल चार्ज पर लगाना था। फ़ायदा कुछ व्लॉग और किसी का कोई फ़ायदा हो ना हो, मेरी अपर यहाँ पे लटकी हुई थी, जो कि मैंने एक दफ़ा क्लिप चेक करने के लिए दोबारा से वीडियो प्ले किया, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मेरी अपर लटकी हुई थी, वो जो कि मैं ले जाना भूल रहा था। कहा यहाँ से मैं निकल गया हूँ, दरवाज़ा बंद करके मैं अपने कमरे को सीव ऑफ करने लगा हूँ, तो तब मुझे नज़र आया कि यार मेरी अपर। नहीं यार, दोनों चीज़ें मिक्स कर दी मैंने। एक्चुअली मैंने वीडियो देखी है, ठीक है, हाँ मान लो यार, जो भी है। अच्छा, तो अपर मुझे पता चल गया था। मैं अपर दोबारा से देख के इसको पैक करेंगे, कमरे की हालत पे ना जाना, ठीक है। इसको भी इसके अंदर डालते हैं, बैग के अंदर, उसके बाद हम निकलेंगे। तो फिर मिलेंगे रास्ते में, अल्लाह हाफिज़। अरे हम पहुंच चुके हैं घर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपनी अम्मी का रिएक्शन। आराम नाल की हो गया, सामान तो उतार रहे हो, वो बैग भारी है। ठीक हो? ओ वेखो, मेरा एयरपोर्ट भी तोड़ देता फट के। Third day, going for Islamabad.
Assalamu alaikum. So, bahut hi time ke baad we are back with the new vlog. Sorry, filter lagana pad raha hai kyunki jagah kuch aisi achhi itni achhi hai ke filter ke bina maza nahi aa raha. Actually, to aaj hum ja rahe hain Islamabad. To on the way hai, theek hai. To abhi thodi der pehle nikla tha. Jaane ka hamara plan hai ke mariga. फिलहाल इस्लामाबाद जा रहे हैं, उधर से जा उधर जाके मिलते हैं इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़. Reached my destination and waiting for my friend to come and pick me up. Much later. Had our dinner at Savor Food. That was so delicious. To be continued.